हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी। देखिए एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, क्या कर रहा है, फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर इन रुपीज पर हाउस होल्ड। तो यानी कहने का मतलब हमें इसका मीन निकालना होगा। एवरेज एक्सपेंडिचर का मतलब मीन से ही है, चलिए तो हमें इसका मीन निकालना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लास जो है ना, देखिए बड़ा क्लास दिया है 100 से 150, 150 से 200 ऐसे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अजम्पशन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, ताकि इजीली बन सके। चलिए तो पहले मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ इसके लिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या क्या चाहिए होगा, इसमें इस चार्ट के लिए क्या क्या चाहिए होगा ये चीज़ें पहले इसमें दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए होगा क्लास इंटरवल, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी, है ना। फिर इसके बाद एक्स आई हो जाएगा आपका, है ना, क्लास मार्क्स हो जाएगा। क्लास मार्क्स निकलने के बाद आप यू आई निकाल लेंगे, है ना जी, यू आई निकालेंगे। तो यू आई के लिए पहले डी आई निकालेंगे, फिर उसके बाद यू आई निकालेंगे और फिर एफ आई यू आई करेंगे। तो इतने कॉलम हमें लेना होंगे, है ना जी, कितने ले रहे हैं, टोटल 6 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें ले लेते हैं आपका एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर, है ना जी, इन रुपीज। ठीक है ना जी, इसको हम लोग क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ आई दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं आपके पास जो दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से आपका फिर 250, 250 से आपका 300, 300 से आपका 350, 350 से आपका 350 से आपका 400, फिर 400 से आपका कितना है, 400 से है आपका 450, और 450 से है आपके पास 500, 450 से 500, यही ना जी। चलिए एफ आई, इनके एफ आई यहाँ पे इनके दिए हुए हैं 24, 40, 33, 28, फिर 30, फिर 22, फिर 16 और फिर ये 7। अब यहाँ पे एक्स आई लेते हैं, है ना, क्लास मार्क्स निकालते हैं। ठीक है ना जी, एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे, इनके इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना जी, तो ये 250 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना 125 आएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच 175 मिडिल वाला जो होता है इसके, यहाँ पे 225, यहाँ पर 275, 325, 375, उसके बाद आपका 425 और 475। अच्छा, इसमें जो मिडिल में होगा ना उसी को हम लोग एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ पे देखिए ये 4 इधर से है, नीचे से भी 4, ये वाला एज्यूम्ड मीन लेते हैं, ए से डिनोट कर लेते हैं। स्मॉल ए, कैपिटल ए कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए हमने ले लिया। अब यहाँ पे निकालेंगे डी आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस का ए, है ना, डेविएशन एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है ना जी, तो ये 125 में से 275 को सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। ठीक है ना जी, तो 125 में से 275 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका माइनस का 150 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 175 में से 275 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 225 में से 275 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 50 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर प्लस 50, प्लस 100, फिर प्लस 100 आपका आ जाएगा यहाँ पर 50, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 200, यही ना हो जाएगा जी। अब इसके बाद देखिए हम लोग यू आई निकालेंगे, जो कि होता है एक्स आई, सॉरी डी आई, और बाई में एच, क्लास क्लास हाइट जो होता है 50 का क्लास हाइट है, यानी 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना जी, तो चलिए अब इन सब में 50 से डिवाइड करें तो माइनस 3, है ना, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 और यहाँ 4। अब यहाँ पे लेंगे एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करके, समझे ना जी, एफ आई यू आई निकालते हैं, यानी कि इस वाले सब में इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना जी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर माइनस का 72, माइनस का 80, माइनस का 33, फिर 0, फिर 30 में 1 से आपका 30, 22 में 2 से तो 44, फिर उसके बाद यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 48,
अच्छा 7 × 4 = 28 है ना जी। चलिए तो अब इसमें किसका किसका सम चाहिए होगा, एफ आई यू आई का सम, ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई इसका सम, एफ आई का सम, इन सब का। चलिए निकालते, तो इसमें देखिए ऊपर हमारे पास एज्यूम्ड मीन कितना था, एज्यूम्ड मीन आपके पास 275, क्लास हाइट है 50। अच्छा सिग्मा एफ आई यू आई ये जो निकालेंगे देखते हैं कितना आता है, तो माइनस वाले को अलग और प्लस वाले को अलग देख लेते हैं। तो माइनस में 72 है, फिर आपका 80 है, और फिर आपका ये 33 है, तो इन तीनों का ऐड करेंगे तो माइनस का 185 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस वाला कितना होता है देख लेते हैं, प्लस वाले में देखिए आपका क्या है, 30 है 40 है, तो 44 है ना जी। तो 30 और ये 44 आपका 74 हो जाएगा, और 74 में 48 ऐड कर देंगे, और फिर 48 में 28, तो आपका ये 150 आ जाएगा प्लस का, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना आपका माइनस में आ जाएगा कितना, -35, ठीक है। अच्छा इसको ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसीज को, तो क्या क्या है जी यहाँ पे, 24 है प्लस में 40 है प्लस में 33 है, फिर आपके पास 28 है, फिर उसके बाद 30 है, 30 के बाद 22 है, 22 के बाद आपका यहाँ पर 16 है, और फिर आपका 7 है, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला, मीन इक्वल टू में हो जाता है यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई इन टू में एच। चलिए अब इन सबके वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो 275 प्लस में इसका वैल्यू है माइनस का 35, सिग्मा एफ आई है आपके पास 200, और ये एच है आपके पास 50, 1010, 5 × 4 = 20। तो यहाँ से देखिए 275 और माइनस में यहाँ पे देखिए 35 में डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा आपका 8.75, ठीक है ना जी। तो 8.75 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 275 में से, तो आ जाएगा 266.25, यही आपका एक्सपेंडिचर होगा, है ना जी, एवरेज एक्सपेंडिचर यही हो जाएगा। चलते हैं रुपीज में था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ सर्वे